साहेब श्री गुरु नानक देव जी जी साहब जी ने आज परम सत्कार योग साथ संग जियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संग जियो बधेरे खुशी हुई। साहेब गुरु बाबा बटभाग सिंह जी के हुक्म सुन के, साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी आप जी सारी सात संगत नू जो देन दिती है उसका खुशी नाल शुकराना नहीं हो सकता। सानू उन्होंने प्यार सत्कार उन्होंने साथ संगत की सेवा और उन्होंने दाता की उदारता दत्ता दी ही शुकराना हो सकता है। जे असी उन्होंने चरणा च ध्यान रख के साहेब श्री गुरु नानक साहब जी के नाम की उचारना करिए। उचारना जब तो दरबार सजिया है लगभग 52-53-54 साल की गल है। उस समय मैं रिजर्व बैंक में काम करता सा। वो नौकरी जी उस समय मैं कर रहा सा वो सुपरिंटेंडेंट की सी, तनखा खासी सी उस समय के हिसाब न, अख्तियार बहुत बड़े सन, भावें मन के अंदर उन्होंने सत्कार प्यार बहुत बधेरे सी, लेकिन फिर भी कुर्सी हंकार दी सी। एक बीबी कोई लगभग 18-20 वर्षों के उपर वाकर का इंतजाम देना मंगती सी और उसनू कोई अजिही तकलीफ सी कि जिसनू कई संत महात्मा ने इनकार कर दिता सी कि इसका इलाज साडे पास नहीं है। उन्हां दी अवस्था उस बीबी दी अवस्था इस प्रकार दी सी कि जिस वेले उन्हां दे उत्ते प्रकाश आ जांदा सी ते उन्हां दा टाकरा करना बड़ा मुश्किल हो जांदा सी। संता सधारणता जीवन दी उदारता जिस प्रकाश चली आई उस हिसाब के नाल मन वही तृष्णा होंगी सी कि सात संगत की किसी प्रकार सेवा की जा सके। उस सेवा लंगर राही अभी मन प्रभावित है उस अवस्था तो कि जी अवस्था लंगर राही सेवा विच रच जाए वो बड़ी उची होया करती है। जिथे कित समागम होने किते सात संगत इकट्ठी होने उत्थे चाह हुंदा सी कि जाके कुछ लंगर विच पा के सात संगत की सेवा कीती जाए। वो अवस्था वधी वधी इतनी प्रबलता ते पहुंच गई कि एतवार नूं रह नहीं सी जांदा कि जे किते लंगर की सेवा विच ना पुज्या जा गया। कुदरत उस
लड़की जिसने जवाब देता उसके पिता बुजुर्ग, बड़ी बीबी सफेद रू सफेद गाढ़ा बिट बिट अखा के बीचों हिंजू जा चल पै ते साडे सेवक थले तेजा सिंह बैठा है। ये मेरा मकैनिक होया करता सी, जो सवारी सी मेरे पास उस वेले तुझ उसकी सर्विस किया करता सी। उठे बैठा सी जिस वेले उसने जवाब मिल गया ते ए नस के मेरे पास आ गया। मैं कुछ पिथ ते बैठा सा ते मैनू कहन लगा बाबू जी इस तरह संतां ने एक बच्चे नू जवाब दे दिता है, तुसी उसने ठीक कर सकते हो। ये आप बीती आप जी नू इस खातर सुना रहा हाँ कि जीवन जिस दे थ्रू तुसी हुण लंघ रहे हो ये नाम लेवा जीवन जिहड़ा तुसी इत्थों लै रहे हो प्राप्त कर रहे हो जिहड़ी सेवा हासिल कर रहे हो इस जीवन दी बहुत सारे प्राणियों दी शिखर इसे तरह बढ़ जाने है। मैं उस सेवक नु पुछता मैं कहना भाई दस तू किदा ये अनुभव किया कि मैं ये ठीक कर सकता। कहन लगा कि बाबू जी मैनू सुपने थोड़े बारे बड़े ही आते हैं कि थोड़ा दरबार लगा हुआ है और उत्थे राशन दियां ताकां लगियां हुई हैं, संगतां आ रही हैं खा रही हैं और तुसी उन्हां नूं वचन कर रहे हो ऐ कर लो ऐ कर लो ऐ कर लो। तो मेरे मन दे विच ओही अक्स बड़े परपक्त हो के मैं तुहानूं जो सामने मेरे आ रहा उन्हां दसा रहा हाँ। उसने मैनूं मजबूर करता, मैं क्या अच्छा भी लिया। कुदरत कहानी तो बहुत लंबी है, वो कह आ गया इतने साडा नजदीक ही छोटी जी कुटिया है उठे बैठे ते उस बीबी नूं प्रकाश फेर हो गया। वो प्रकाश होया तो उसने बड़ा बिलदना शुरू कर दिता इधर उधर सारा कमरा उसने लगभग बिलद के उगड़ कर दिता। तो साढ़े एक बजुर्ग आते होंगे सके उन्होंने शहीदा की पाण आती सी तो मैं तो कुछ इस अवस्था बारे पता भी नहीं सी तो मैं उन्होंने बेनती की थी कि तुसी इन्हों देखो की गल है। तो वह जिस वेले वचन कर लगे कहन लगे सानू सुचा जल दे के एक पलंग पिया से उस कमरे के इस उत्ते छिट्टे मार दो ते असी बैठ के बचन करने हैं। उन्होंने तो छिट्टा दिता ऐसे तरह उठ के ओदे उत्ते बैठ गए बचन करने शुरू कर दते। सारी हिस्ट्री साढ़े परिवार की उन्होंने बयान कर दी। बयान करद हो मेरे मन के कई संशय आ गए भी कई प्रकार के लोग होंगे वो इधर उधरों गल सुन के लैके अपना आप प्रभाव जोड़ा है दर्शाते तो मेरी अवस्था कुछ ऐसी हो गई कि जी ये मेरे नाल गल नहीं करते ते मैनू ये रकम फ्रेम परी लगती है। जिस वेले अंत समा उन्हां दे बचना दा वो आ गया ते कहन लगे असी अगले हफ्ते आवांगे ते तेरे नाल जिहड़े तेरे मन की अवस्था की भावना है उस दीआं गल्लां करांगे। वो अवस्था अगला हफ्ता भी आ गया, गल्लां हो गईआं ते उत्थों की
सिचुएशन बन गई। तो मैं कह लगे थोड़े पास अच्छी सेवा लेनी है। उस समय जिस प्रकार मैं अर्जुन दर्शाया है कि मेरी केवल जिस प्रकार तुसी सिमरन करते हो अजी दरवाजी संगत जड़ी इस पासे लग गई है, मैं भी इसे तरह सिमरन किया करता सी। निजम पक्का सी, प्यार की अवस्था साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों पर अमूमन टिकी रही सी। मैं इनकार करता कि मेरे पासों ये नहीं हो सकता, मैं तो अहंकार की कुर्सी जी मैं मालिक ने मेरे दिखती है उसते बैठा। कह लगे सोच लो, फिर कह लगे कि उत्तर देना। मैं क्या महाराज मैं माफ कर दो। कह लगे माफ, उन्होंने शब्दावली मैं थानू दसा रहा। कह लगे असी तेरे पासों सेवा लेनी है, ये मुआफी करके गलबात नहीं हो रही। एक उची जी बोल दे अवस्था दे विचों कहन लगे तू मनदा कि नहीं मनदा। वो बोल जिहड़ा सीगा वह मेरे शरीर के अंदर एक इस प्रकार घूम गया जिस प्रकार के बिजली की रोशनी घूमती होंगी है, और मेरी जिहड़ी सारे हिरदे की और शरीर की धड़कन है सामने आ गई। फिर भी मैं शर्त रखता कि देखो महाराज मैं आता जाता कुछ नहीं है, तुम मैं इसे बार ना दो। कह लगे असी सब कुछ करना है, तेन असी अमृत की शक्ति देनी है, अमृत बनाना है, उस अमृत के नाल सारे मरीज दर्जा बदर्जा जिस जितना उन्हों का प्यार होएगा उतना उतना उन्होंने रहम करम असी देवे। अजकल असी कि बैठे हाँ तो कि बैठे संसार के अंदर लखा की तादाद में अजीत दरबार की संगत है, क्यों नाम जपती है सुखी हो रही है। मैं आप जी छोटी जी घटना इस करके दर्शाई है कि जी हम सात संगत जो हम बचन होंगे हो रहे हम नाम सिमरन का सारा हिसाब दर्शा चुके हैं, उसके हिसाब न जे असी लगे हुए हाँ तो कल कुछ ना कुछ अवस्था पड़नी है। और इस दरबार के विच अजिहे चश्मदीद हवाले पेश हो जाने हैं जिन्होंने देख के तुसी हैरान हो जाना है। यह अवस्था एक अकाल पुरख की दर्शाई हुई ब्लैस की हुई है। हम हालात सारी धरती के ऐसे हो गए हैं कि उत्थे किते ना किते कोई ना कोई घाट चलती रहनी है, कोई भी देश उस तो रहत नहीं हो सकना। जिन देशों में मान की अवस्था ज्यादा है उन्होंने ज्यादा करके होना है। जे ये होना है सब कुछ इतने भी कल को पता नहीं की होना है। यह 24 तरीक तो बाद जन्मदिन जो आ रहा है, इस तो बाद कुछ तुम सुनोगे मेरे इस देश को जान तो बाद तुम कुछ सुनोगे। उस समय तुम समझना किस किस प्रकार है नाम की उदारता के नाल। इतने असं जो सेवादार हैं उन्होंने बलवान कर रहे हैं, गुप्त अवस्था नाल भी कर रहे हैं, वचन करके भी कर रहे हैं, प्यार करके भी कर रहे हैं। ये जो लंगर साढ़े इतने बनते हैं उन्होंने नाम की अवस्था में सेवादारा का आना और लंगर तैयार करना उसकी उदारता के नाल भी असी बच सकते हैं। जी अवस्था है ये दिनों दिन गंभीर होनी है। असी दुखड़े दूर करने वास्ते आने वो तो हो ही जाने हैं,
जिस वेले तुसी निशान साहब दे प्यार और सत्कार दे नाल बेनती करनी है थोड़े दुखड़े उस वेले हिसाब दे विच आ जाने हैं और थोड़े अमृत दी सेम उस नाल पीना हुंदा है, इशनान करना हुंदा है, घर दे विच छिट्टे देने हुंदे हैं, हर प्रकार की घाट उस पूरी हो जानी है। और रात को अमृत पी के एक घंटा धन गुरु नानक उन्होंने चरण ध्यान करके करना है, फिर सानू कमी कोई नहीं। जिहड़ी कमी साडे विच रह जाती है, देर रह जाती है, उसका कारण यह होंदा है कि असीं सुन जरूर जाने हैं, उस अवस्था नू लियाउण दी कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन रह जाने घर जाके जा ते सुस्ती करके जा कौल करके जा मन का माहौल अते परिवार का माहौल ना बनन करके। ये सब कुछ अवस्था अजिही चल रही है, ये माहौल तद बनेगा जिस वेले असी अमृत के निजम के उत्ते चलना शुरू कर देंगे, जिस वेले अमृत की जी उधारता है उस ते असी फल लैने शुरू कर देंगे। जीवन दिया काटा बहुत होया करदियां हन, मावां नूं पुत्र चाहिए होंदे हन, संसार नूं अपना जड़ा जीवन सफर है उसनूं सफला करने वास्ते समय की अवश्य लोड़ है, सेवा की अवश्य लोड़ है, होर जिहड़ियां संसारक काटा हन अनेक प्रकार दियां हन, और बीमारियां तो छुटकारा पाने वास्ते जिन्हां दे उत्ते टूने जादू अते जन ना देखने वाली चीज़ों का प्रकाश रहिंदा है उन्होंने दूर करने वास्ते इस सब वास्ते सिमर और अमृत की अवश्य लोड़ है। जिस वे असीं इह चीज़ां करनियां शुरू कर देनियां हन ते असीं राजी हो जाना है, राजी हो के तुसीं इस दरबार च मत्था जरूर टेकना है, क्यों ये जिहड़े निशान साहब हैं इत्थे महाराज जी का 24 घंटे का प्रकाश है। सानू भी घाट हुंदी है तो असीं बेनती करते हैं तो सानू छुटकारा मिल जाता है, असीं तुहाडे नाल प्यार करते हैं, प्यार के नाल असीं तुहानू कोई वस्तु दिंदे हां, कोई वचन दिंदे हां, साडा छुटकारा हो जाता है। यह सब कुछ फिर मैं तुहानू दसा रहा, यह भाव मेरे कहन का की है कि तुसीं सिमरन की जिहड़ी अवस्था है इसनों बता लो, और आने वाली अवस्था जिहड़ी कि बड़ी गंभीर है, ऐसे ऐसे हिसाब हो जाने हैं कि लावा निकलना है जमीन चो, जमीन ने फट जाना है, और लावे की जिहड़ी वो अवस्था है वो जिथे जिथे जानी है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो गज उच्ची चढ़ जानी है, और उस शहर आ गया शहर तबाह है, पिंड आ गया पिंड तबाह है, जो भी कुछ आ गया उसने तबाह सड़ बल जाना है, और अजिहा उजाड़ बियावान बन जाना है कि उत्थे घा की तिड़ भी नहीं दिसने। फिर एक अवस्था जल्दी आनी है, जल्दी बड़े तूफान आने हैं, फिर एक अवस्था वो आ जानी है जिहड़ा कि हंकार की अवस्था के नाल मनुख ने एक दूसरे नाल लड़ना शुरू कर देना है, उस दे नाल भी जिंदगियां बहुत घट जानियां। एक अवस्था ऐसी आनी है जिहड़ी कि ईर्ष्या, जो जीवन ईर्ष्या भरे हैं, झूठ और झूठ भरे हैं, वैर रखते हैं, विरोध रखते हैं किसी नाल, उन्हों की अवस्था इस प्रकार की हो जानी है जिस प्रकार के कीड़ा उन्हें कपड़े को खा जाता है तो बिच गलियां छेद हो जाते हैं, तो उन्होंने जीवन यात्रा जी है वो कभी भी सफलता नहीं आनी। जे जो ईर्ष्या ये एक ऐसी किरना भरी अवस्था है, इस मनुष्य को खा जाती है, क्यों उस मनुष्य ने हमेशा यह सोचना है कि दूसरे को बुराई के किस्सा कढ़ना है,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਛੇਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਭਰਾਓ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਤੜਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਉਭਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜੂ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਰਜੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮਥਿਆਸ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮਾਨ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਜੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਹੈ ਉਹ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਈਗੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਈਗੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਿਛਲੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਚੇਰੀ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀੜਾ ਉੱਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਛੇਦਾ ਛੇਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜੋਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਬਣਨੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਲੋਭ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕੂੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜੇ ਫਰੇਬੀ ਮੋਹ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਫਲ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਸਫਲ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੁਛ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਤਗੁਣੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਔਰ ਵੱਡੀ ਅਨਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਹੁਣ ਬਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਅਜੀਤ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ
तनात हो गए हैं, किन्ने सोगर हो गए हैं, किन्ने नाम वाले रसी नाम के रसिया हो गए हैं, किन्नी दुनिया इतों लखाई तादाद विच राजी हो जाती है। असी कुछ दिन केवल नाम सजाओ है, वह किन्ने लेना है, वह अकाल पुरख ने देना है। अकाल पुरख कौन है? गुरु नानक साहब हैं, गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने यूनिट हैं, और बाबा बटपाल सिंह जी जरा सेवा के थले असी काम कर रहे हैं। यह जी अवस्था है, इसनों बड़ी वड्याई दे नाल अपनाओ। बाबा बटपाल सिंह जी के बारे में पढ़ रहा सी। बाबा बटपाल सिंह जी करतारपुर के हुक्मरान सन, छेवे पातशाह सतगुरु हरगोबिंद साहब के बड़े साहबजादे गुरदत्ता जे साहबजादे सन, उन्होंने साहबजादे सन तीरमल जी, उन्होंने छेवे दर्जे की औलाद हैं। और उन्होंने जो पंचम पातशाह ने करतारपुर थम साहब बनाए सन, उन्होंने नासर अली ने उसनों जला दिता से, बर्बाद करता से। उन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़के उसनों नासर अली फड़िया, जिस प्रकार उसने थम साहब जलाया से उस प्रकार उसनों जला दिता गया, तो थम साहब दोबारा इन्होंने बनवाया से। और इन्होंने सिखी फैलाई, सिक्स बैटल्स दे ही फॉट। एक था नवाब कपूर सिंह, आप जी जानते हो जे के सेवादार होंगे से, घोड़िया की सेवा किया करते सन महाराज तबेले में, तो उन्होंने नवाबी बख्शी से महाराज ने। तो एक जस्सा सिंह, तो तीन चार होर सिंह उन्होंने नाल मिलके इन्होंने पंजाब को मुसलमानों तो आजाद कराया हुआ से। इन्हों के जुल्म देख के मुसलमानों के, तो इन्होंने अपने सोटी अनसुन करके सिमरन की लड़ी फड़ ली। और वो लड़ी जी है उस अवस्था के नाल यह ब्रह्म ज्ञानी बन गया, और ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था के नाल इस संसार के उत्ते रहम और करम करन लग गया। अज असी केवल बहुत ही जी चीज सन लगती है जादू टूने की है, ये जे तांत्रिक हैं ये बेईमान हैं, इन्हों कोट पैने हैं, इन्हों कोई रोक नहीं सकता। क्यों? बाबा जी के दरबार इन्फ्लुएंस बहुत सारिया मिलती हैं कि जे इदा के होंगे हैं उन्होंने जुल्म बड़े ढाए होया करते हैं, और उन्होंने अवस्था बड़ी गलीस गलाजत की अवस्था होया करती है। असी उन्होंने प्यार में हाँ, सानू नामदान मिल रहा है, ये जे रोगी हैं उससे साढ़े अमृत पीने राजी हो रहे हैं, साड़ी अमृत की अवस्था जी है इन्नी उच्ची है जेड़ा कि जीवन उच्चा करके रख देती है, गिरी अवस्था को शिखर ते लै जाती है। इस अवस्था का पाना, इस अवस्था को अपना मुश्किल नहीं है। बस सारे लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मैं कहना कोई मुश्किल नहीं रही। जो सिमरन है उस दिया 16 प्रकार का सिमरन है, तो सब तो वड्डा जो सिमरन है उसनों असी राजयोग कहने हैं। राजयोग, राजयोग वो है जिहड़ी कि ध्यान की अवस्था है। जब असी कोई शब्द उचारना है असी छोटा जिहा शब्द और बहुत वड्डी अवस्था वाला निरंकार अकाल पुरख मिलन वाला धन गुरु नानक का दसते हाँ, वो आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, वो नारायण बन के उन्होंने जग दे विच आए हैं। अकाल पुरख उन्होंने किया जाता है। और फिर जड़ी जड़ी अवस्था ये डेढ़ शब्द तो गुरु बाबा बटपाल सिंह को मिलती है, उसे हर प्रकार की अवस्था मिलती है। रोगी के रोग दूर होंगे, आशावाना दशा पूरी होंगे, बशर्त है कि वह सही अवस्था लैके तुरे हुए हो, फिर भी ना हो उन्होंने मन के दो चिते चित ना हो, एक चित हो। जिस प्रकार गुरबाणी के शब्द भी आता है, जो जो तुमरे ध्यान को नित उठ दे आए हैं संत, अंत लेंगे मुकुत फल पावेंगे भगवंत।
ध्यान दी मस्ता राजयोग है ना, बहुत पढ़ने की लोड़ है, पढ़ना है तो अपनी अवस्था कदा कहने जो सूझवान होने वास्ते पढ़ लो, लेकिन जे तुसी राजयोग दे विच आउणा है उन्हां दे चरणां दा प्यार पाउणा है तो ध्यान दी अवस्था सब तो वड्डी अवस्था है। ये अवस्था सानू असीं जिस वेले ऑर्डिनरी अवस्था विच हुंदे आ, साडे कोई बाहर आउंदा है छोटा जिहा वह बोल नहीं सकता, केवल रोना ही जानता है जा मुस्कुराना ही जानता है, ना वो बहुता इशारा कर सकता है ना कुछ असमर्थ होता है, वो मां या अखा च अखा पा के उन्हें सब कुछ समझा देता है तो उन्हें की जरूरत है। सो जी जी साड़ी अवस्था है सिमरन की, जे राजयोग दी ध्यान की बन जाएगी साडा ध्यान अकाल पुरख के चरणों के विच होएगा, जे असी कित्थे पहुंच गए असी अकाल पुरख के नजदीक हो गए, अकाल पुरख की अख साडे उत्ते डायरैक्ट है, जिहड़ी सानू घाट होएगी जां असी चीकांगे तो उन्होंने झट दुख लगेगा तो सानू हल दे देंगे, साडे जो जिहड़ी घाट है उसनू हल कर देंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसके नाल सानू प्यार हो जाएगा। हुण तुसी देखो इस प्यार की अवस्था नू बधाउणा है, अजीत दरबार की जी परमानेंट संगत है जी नवे आने लगे हैं अपने उधारता वास्ते उन्होंने इसकी उधारता इस प्रकार करनी है ध्यान दे नाल, और आना है अपनी बेनती बड़े प्यार के दो मिनट के अपने निशान साहब से रखो और आनंद इतने दरबार में सज जाओ, कीर्तन सुनो जो सिमरन हो रहा तो सिमरन नाल गाओ, धन गुरु नानक का शब्द चलता है, धन गुरु नानक धन गुरु नानक, अपनी जी अवस्था है इसमें इस प्रकार बना लो कि थोड़ा जेड़ा तन और मन ठहर जाए, ठहराव बिच आ जाए, जिन्ना स्लो लटका के बोलोगे उन्नी थोड़ी अवस्था ज्यादा बढ़ेगी, क्यों जिस प्रकार अस कहना शुरू करते हैं धन गुरु नानक धन तो साड़ी जी आवाज है साड़ी जी नर्वस सिस्टम है वह ज्यादा हीटअप हो जाएगा, वह ज्यादा जोर लग जाएगा तो असी ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकेंगे, और जो जोर लग जाएगा गर्मी आ जाएगी तो असं जो बचन भी किसी को करने होंगे वह काली देवी चाह के असी काले पंच कर जाएंगे, पता नहीं वो ठीक होंगे या नहीं होंगे, साडे मन का जरा ठहराव है जो ठल है वह ठल का जरा बन नहीं लगना, ठल का जरा बन लगना है वह इस करके लगना है जिस वे स्लो प्यार सत्कार जिस वे असं प्यार ना किसी को संबोधन करते हैं बड़िया मिठिया गल् करते हैं बड़े हौली हौली बोलते हैं इन्ना सोच सुना सकते हैं जोड़ा कि वह जो दोनों बंदे गल करते उ सुन। सो जो प्यार है यह जे अकाल पुरख के रंग हैं तुम उन्होंने प्राप्त करना है वह प्राप्त इस प्रकार होने हूँ तुम सिमरन की जी अवस्था है उसनों बधाओ। इतने खासकर बहुत फैसिलिटी है ये जो अपना दरबार है इसनों बख्शिशा बहुत हैं इसनों वर बहुत हैं, इस दरबार की लीला तुम अगे चल के देखोगे बहुत समय नहीं है, इस दरबार की लीला है जो तुम देखनिया हैं उस बहुत ही देरी नहीं है, साढ़े वास्ते समा घट है सिमरन परपक्त करन दा, तुसी शुरू हो जाओ धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, उन्होंने चरणों से रखोगे थोड़ा जरा मन है ये उखड़ेगा नहीं, थोड़ी जी शिकायत है कि साडा मन टिकदा नहीं असं पाठ करते हैं तो इधर उधर घूमता रहता जो तुम ठहराव ना करोगे तो यह दौड़ेगा ही नहीं इनू लगाम पई रहेगी, ये अवस्था तुम प्राप्त करनी है। अज मैं आप जी ने इदा ही कुछ कहना सीगा तो 24 तरीक न साढ़े सेवादार जोड़े हैं वो जन्मदिन मनाते हैं मेरा, वो जोड़ा जन्मदिन है वो बख्शिशा भरिया थानू चीज़ा मिलदिया हैं, जहाँ पाठ नहीं करना आता उन्होंने गुटके मिलते हैं, होर थानू प्यार हर प्राणी जोड़ा आएगा उसमें थापड़ा जरूर मिलेगा, वो प्यार अकाल पुरख वालों आप जी मिलना है। आओ असी 11 बजे शुरू करेंगे 4 बजे समाप्त कर देंगे, फिर आप जी वास्ते हर प्रकार के खाने का इंतजाम होएगा, ज्यादा इंतजाम होएगा,
और फिर थानू चाह पानी करवा के सारिया नू फिर थानू छुट्टियां हो जाएंगियां। सो तुसी ये आओ और कोट पिंड जाने वास्ते बस जिहड़ी जानी है उहदी अनाउंसमेंट कर ही दित्ती है। पाठी अते साध संगत जिन्हें जाना है वह अपने नाम लिखा दें। तो मेरा ख्याल है थले जसवंत सिंह बैठे हैं, जसवंत सिंह उन्होंने लिखा दो, वो लिस्ट बना लेंगे। तो एक बस जानी है तो उत्थे तीन दिन रहना है। तो मेरा ख्याल है 8-10 पाठ होंगे अखंड पाठ साहब जो उत्थे होने हैं, पाठी जरूर जान। और इत्थे भी 24 तरीक तो पहला 22-23-24 को अखंड पाठ साहब मेरा ख्याल है 15 रखने का इन्हों का हिसाब है। तो जिन्हें पाठी हैं वो हम हमा के दर्शन दे और उस समय का लाभ उठाउन। ओह जिहड़ा समा है, मैनू पता नहीं मैं किन्ना क प्यारा महाराज नूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता जो मूह निकल जाएगा वह हो जाता है। इस दी अवस्था तुसी तक लो, तुसी जान लो। अकाल पुरख नूं खुशी होनी है उसकी, उन्हां दी खुशी लैण वास्ते तुसी सेवा च इस कुंभ दे विच जरूर हिस्सा लो, जरूर अपने तन और मन सफले करो। लंगर दा इत्थे ते कोई घाट ही नहीं, चलते ही रहते हैं। तो सब फैसिलिटी सौन वास्ते थानू जगह दी जाएगी, ये सब फैसिलिटी इत्थे होएगी। और तुसी आओ तो मैं भी थोड़ा धन्यवादी होवांगा, तो थोड़ी ये सेवा करके तुसी भी सफल हो जाओगे, तो अकाल पुरख की नजरों में आ जाओगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं क्या मांगू किछ तिर नाराई, हर दीजे नाम प्यारी ओ, हर दीजे नाम प्यारी ओ। तनात्री महला पंजवा, तन तन गुरु अर्जन देव साहिब जी ओ, सगल मनोरथ प्रभु ते पाए, कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर में जलन ना दीने, किने ना दुतर पाके, सगल मनोरथ प्रभु ते पाए, कंठ लाए गुण राखे, संसार सागर में जलन ना दीने, किने ना दुतर पाके, जिनके मन साचा विश्वा, पेठ पेठ स्वामी की सुबा, आनंद सदा उलास राव, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझे अपना कियो नानक, भगतन का अंकुर राखियो, चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो नानक, भगतन का कर राखियो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।